आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.6 का दसवां क्वेश्चन देखेंगे। दसवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आइए देख लेते हैं। नाजिमा एक नदी की धारा में मछलियां पकड़ रही है। उसकी मछली पकड़ने वाली सीरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है तथा डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा पानी की सतह पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिमा से दूरी 3.6 मीटर है और छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी की सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 मीटर है। यह मानते हुए कि उसकी डोरी उसकी छड़ के सिरे से कांटे तक तनी हुई है। डोरी क्या है? तनी हुई है, छड़ के सिरे और कांटा से तक की जो डोरी है वो तनी हुई है। उसने कितनी डोरी बाहर निकाली हुई है? यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से अंदर खींचे तो 12 सेकंड के बाद नाजिमा की कांटे से 36 दूरी कितनी होगी? अब ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें ये चित्र बना बनाया दिया हुआ था, ठीक है ना। यहाँ आपका चित्र दिया हुआ है, ये नदी की धारा है, यहाँ ये नीचे ये नदी की धारा है, ठीक है ना। ये नदी की धारा है, पूरा नदी की धारा यहाँ तक है, ठीक है। इसमें ये जो एई देख रहे हैं, ये एई जो है आपका रॉड है, मछली पकड़ने वाला एक डंडा है, और एसी जो है डोरी है, डोरी की लंबाई है। और यहाँ पर ये जो है ये रॉड है, रॉड का जो सिरा है यहाँ पे आप देख रहे हैं, मछली पकड़ने वाली सिरा पानी की सतह से, ये जो पानी का सतह है, ये लेवल है, पानी का लेवल पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है। आप देख रहे हैं यहाँ से, मतलब ए वी की लंबाई 1.8 मीटर है, ठीक है। और ये जो डोरी है, डोरी के यहाँ पे निचले सिरे में एक कांटा लगा हुआ है, जो मछली पकड़ने के लिए कांटा लगाते हैं, ठीक है ना, कांटा लगा हुआ है इस प्रकार वो लगा हुआ है कि, ठीक है ना, उसकी नाजिया से जो दूरी है, यहाँ पे जो नाजिया है, यहाँ नाजिया से दूरी इस कांटे की वो 3.6 मीटर है, अर्थात सीढ़ी की जो लंबाई हो 3.6 मीटर है। अब आगे क्या कर रहा है? और छड़ के सिरे के ठीक नीचे, ये जो छड़ है, ये रॉड है, रॉड का ये जो सिरा है, सिरा के ठीक नीचे है ना, पानी की सतह पर एक बिंदु बी स्थित है। यहाँ पर मैंने बी बना दिया है, एक बिंदु बी स्थित है। इस बिंदु बी से इस कांटे तक की जो दूरी है, है ना, इस कांटे डोरी में जो निचले सिरे में कांटा लगा हुआ है, और इस बिंदु से मतलब बिंदु सी तक की जो दूरी हो 2.4 मीटर है, ये है। यह मानते हुए कि उसकी डोरी इस उसकी छड़ के सिरे से कांटे तक तनी हुई है। अब ये छड़ का सिरा है ए, और ये कांटा का सिरा है सी, ये जो डोरी है, डोरी ये तनी हुई है ना, ढीला नहीं है, ये तना हुआ है। उसने कितनी डोरी बाहर निकाली हुई है? आपको बताना है इस डोरी की लंबाई ना कि कितनी होगी। यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से अंदर खींचे तो, अब इस डोरी को ये जो नाजिमा है, एक चरखी लगा हुआ था, जब आप मछली पकड़ते हो एक रॉड होता है, जैसे पतंग उड़ाते हो तो पतंग में चरखी लगा होता है तो धागे को लपेट लेते हो ना, उसी तरह से मछली फिशिंग रॉड में मछली पकड़ने वाला एक रॉड होता है तो उसमें एक चरखी लगी होती है, तो उससे हम धागे को लपेटते हैं ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से अंदर खींचे, और लपेट रही है धागे को कितनी दर से, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचे तो 12 सेकंड के बाद नाजिमा की कांटे से 36 दूरी क्या होगी? तो आपको बताना है कि 12 सेकंड के बाद नाजिमा की कांटे से 36 दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए क्या है, ए एक छड़ है, रॉड है, तथा ए सी डोरी की लंबाई है, ए सी डोरी की लंबाई है, और ए बी जो दिया हुआ है 1.8 मीटर दिया है, बी सी 2.4 मीटर दिया हुआ है, और सी डी जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 3.6 मीटर दी गई है। अब सी डी 3.6 मीटर है और बी सी 2.4 मीटर है, तो ये कितना होगा?
बड़े वाले दूरी में से छोटे वाले को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1.2 मीटर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें ये जो त्रिभुज ACB है इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से आप इस बाहर निकली हुई डोरी की लंबाई निकालेंगे AC की। तो आइए इसको लगाते हैं। अब आपने इसमें त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय लगाया है। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। अब AC का स्क्वायर बराबर AB का जो मान दिया हुआ है यहाँ पे 1.8 इसको रख दिया, और BC का मान जो दिया हुआ है 2.4 इसको रख दिया। तो AC का स्क्वायर बराबर 3.24 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 5.76 आएगा। AC का स्क्वायर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9.00 आएगा, यानी कि 9 आएगा, यानी कि AC बराबर √9 यानी करड़ी में 9 तो इसको 3 आ जाएगा, यानी कि AC का मान 3 मीटर आ जाएगा। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, 3 मीटर। अतः बाहर निकाली गई डोरी की लंबाई जो है वो कितनी है, 3 मीटर है। बाहर निकाली गई डोरी की लंबाई 3 मीटर है। अब हम देखते हैं यहाँ पर डोरी को 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से अंदर खींचा जा रहा है, तो नाजिमा तो 12 सेकंड के बाद नाजिमा के कांटे से 36 दूरी हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए इसको निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि डोरी को 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से अंदर खींचा जाता है, तब 12 सेकंड बाद नाजिमा के कांटे से 36 दूरी हो जाएगी। 5 × 12, 5 × 12 में गुणा कर देंगे तो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। चूँकि सभी दूरियाँ मीटर में दी गई हैं, आप देख रहे हैं, इसको भी मीटर में बदल देंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। तो यहाँ पे हम 100 से भाग दे देंगे 60 में तो हो जाएगा 0.6 मीटर आ जाएगा ये। ठीक है, 0.6 मीटर आ जाएगा। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे ये जो डोरी की लंबाई पहले थी, बाहर निकाली गई डोरी की लंबाई 3 मीटर थी। अब मान लेते हैं कि ये जो बिंदु सी है, सी से बिंदु एफ पर यहाँ पे आ जाता है। बिंदु सी पे सक कर कहाँ जाता है, जब वो नाजिमा डोरी को खींचती है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, तो हम मान लेते हैं 12 सेकंड के बाद जो डोरी है वो बिंदु सी से बिंदु एफ पर आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, बिंदु सी से बिंदु एफ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो AF होगा, ये जो AF दूरी होगी, यही 12 सेकंड के बाद बाहर निकाली गई डोरी की लंबाई होगी। 12 सेकंड के पहले क्या थी, AC थी, मतलब 3 मीटर था। तो 12 सेकंड के बाद बाहर निकाली गई डोरी की लंबाई आपका AF हो जाएगा। अब AF हम कैसे निकालेंगे, इसमें हम देख लेते हैं। अब माना 12 सेकंड के बाद बिंदु सी बिंदु एफ पर आ जाता है। बिंदु सी कहाँ आ जाता है, बिंदु एफ पर आ जाता है। तो ये एफ जो होगी 12 सेकंड के बाद बाहर निकाली गई डोरी की लंबाई होगी, और ये कितना होगा, तब 12 सेकंड के बाद बाहर निकाली गई डोरी की लंबाई AF बराबर पहले कितनी थी, 3 मीटर थी। तो इसमें से मतलब पहले AC थी, तो AC में से हम 0.6 मीटर निकाल देंगे, है ना। इतना डोरी वो नाजिया खींच लेती है 12 सेकंड के बाद। 12 सेकंड के बाद नाजिया कितना डोरी खींच लेती है, 0.6 मीटर खींच लेती है। किसमें से, 3 मीटर डोरी में से। पहले डोरी जो बाहर निकाली गई थी छड़ के सिरे से, वो 3 मीटर उसकी लंबाई थी। 3 मीटर लंबाई में से नाजिया 12 सेकंड के बाद 0.6 मीटर डोरी जो है वो खींच लेती है। अतः 12 सेकंड के बाद जो डोरी की लंबाई होगी, बाहर निकाली गई जो डोरी की लंबाई होगी वो होगी AF बराबर AC माइनस 0.6 मीटर, मतलब AF बराबर AC की लंबाई है 3 मीटर, और ये 0.6 मीटर खींच लेती है वो डोरी, लपेट लेती है। तब AF हो जाएगा 2.4 मीटर, मतलब 12 सेकंड के बाद बाहर निकाली गई डोरी की लंबाई AF हो जाएगा 2.4 मीटर हो जाएगा। अब तब आपको क्या करना है, 12 सेकंड के बाद नाजिया की कांटे से 36 दूरी निकालनी है। मतलब अब कांटा यहाँ पर आ गया है 12 सेकंड के बाद, जो डोरी में जो कांटा लगा हुआ था यहाँ पर मछली मारने वाला,
यहाँ लगा हुआ था 12 सेकंड के बाद यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकालनी है, मतलब एफ डी निकालना आपको, ठीक है। तो इस चित्र को मैं पुनः बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने चित्र को पुनः बनाया है, यहाँ पर ये 12 सेकंड के बाद बाहर निकाले गई दूरी की लंबाई निकाला हमने 2.4 मीटर अभी थोड़ी देर में, और यहाँ ये दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था आपको एफ से डी तक की दूरी निकालनी है। तो इसमें त्रिभुज ए बी एफ में मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, तो ए एफ का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर होगा, ये कर्ण, ये लंब, यह धार। तो अब इसका मान दिया हो, इसका मान दिया हो तो रख लिया 2.4 का स्क्वायर बराबर 1.8 का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो 5.76 आया बराबर 3.24 प्लस बी एफ का स्क्वायर, बी एफ का स्क्वायर बराबर 5.76 माने 3.24 घटाएंगे तो 2.52 आ जाएगा, या बी एफ बराबर रूट 2.52 आ जाएगा, जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो 1.57 आ जाएगा समथिंग, इसके आगे भी आ सकता है, 3 पॉइंट तक मैंने लिया। अब बी एफ बराबर हो जाएगा 1.587 मीटर, ये दूरी मिल गई 1. कितना मिल गया, ये 1.587 मीटर मिल गया, ठीक है। तो आपको अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ दीजिए, तब एफ डी जो होगा वो बी एफ प्लस बी डी के बराबर होगा। बी एफ कितना है 1.587 प्लस बी डी 1.2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.787, ठीक है ना, इम्प्लाइज करिएगा ये 787, ये आपका आंसर आ जाएगा एफ डी बराबर 2.8 लगभग में इसको आप लिख सकते हैं, लगभग में 2.79 लिख सकते हैं, है ना, ये लगभग में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लगभग का चिन्ह लगा दीजिए, लगभग में 2.79 मीटर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, अतः 12 सेकंड के बाद नाजिया की कांटे से 36 दूरी जो होगी, नाजिया की इस कांटे से 36 दूरी जो होगी, नाजिया की कांटे से 36 दूरी 12 सेकंड के बाद होगी 2.79 मीटर, 2.79 मीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।